हमीरपुर जिला के नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलोड़ में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनमंच के दौरान कुल 66 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 35 का मौके पर ही निपटारा कर दिया। इसके अतिरिक्त 107 मांगे भी प्राप्त हुई, जिन्हें उचित कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया है। अपने संबोधन में गोविंद ठाकुर ने कहा कि जनमंच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की एक महत्वाकांक्षी पहल है और इससे छोटे छोटे कार्यों के लिए अब लोगों को यहां वहां भटकने से छुटकारा मिला है। गत वर्ष से प्रारंभ जनमंच में निरंतर लोगों की सहभागिता और भागीदारी बढ़ रही है और आज जनमंच में भी सभी चिन्हित पंचायतों के लोग समस्याओं के निराकरण हेतु पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से आगे बढ़कर लोगों की समस्याओं का निदान करना और प्रदेश को विकास की राह पर शिखर की ओर ले जाने का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं जनमंच में प्राप्त शिकायतों और उनके समाधान के लिए उपाय की निगरानी करते हैं। बढ़कर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने जनमंच हैं, ये जनमंच में क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ, वहां की परफॉर्मेंस कितनी है, उन सबको मॉनिटर करने का काम मुख्यमंत्री जी ने अपने आप रखा और हर जनमंच की मॉनिटरिंग और उस सब का ध्यान मुख्यमंत्री स्वयं रखते हैं। और बहनों, गोविंद ठाकुर ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठित होने के उपरांत पूरे देश में परिदृश्य बदला है और एक मजबूत नेतृत्व ने आतंकी संगठनों पर कड़ा प्रहार करते हुए कूटनीति तौर पर भी देश को सशक्त बनाने का काम किया है। पुलवामा के हमले के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया गया तो चीन ने भी भारत का समर्थन किया, ये होता देश का ताकतवर नेतृत्व। और उसके पश्चात 26 फरवरी को प्रातःकाल 3:30 बजे हमारे एयरफोर्स के जवानों ने मिराज 2000 उड़ा करके ले गए और केवल मात्र 19 मिनट के सर्जिकल स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के वो आतंकवादियों के ट्रेनिंग के ठिकाने और जैश ए मोहम्मद के 300 टेररिस्ट को मार करके सब कुछ अपने देश को हमारे एयरफोर्स के नौजवान पहुंचे और दुनिया को संदेश गया कि सर्जिकल स्ट्राइक केवल मात्र इजराइल नहीं कर सकता, दूसरे देश नहीं कर सकते, लेकिन भारत आज ताकतवर नेतृत्व के साथ है। और मैं इन सभी शहीदों को सभी की ओर से नमन करता हूं। और हिमाचल प्रदेश से उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी गत एक वर्ष में ये बदलाव नजर आ रहे हैं और प्रदेश सरकार सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर बस अड्डे का निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए निविदा इत्यादियों की औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवहन की बेहतर व सुलभ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। निगम में चालकों व परिचालकों के 5-500 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। इलेक्ट्रिकल बस सेवा के क्षेत्र में हिमाचल अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। शिमला के उपरांत शीघ्र ही स्मार्ट सिटी धर्मशाला में भी इलेक्ट्रिकल बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। साथ ही मनाली में लगभग 50 इलेक्ट्रिकल बसें अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित ढाबों में खाने की गुणवत्ता व अन्य सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की वे स्वयं निगरानी कर रहे हैं और इस बारे में ढाबा व रेस्टोरेंट चालकों के साथ बैठक कर उन्हें उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एच टुडे के लिए गलोड़ से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।